शाही जामा मस्जिद प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन दीवानी में अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बालकिशन शर्मा का निधन होने पर वकीलों ने कार्य नहीं किया। शाही जामा मस्जिद प्रकरण में गुरुवार को सुनवाई होनी, लेकिन दीवानी में अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के कारण नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख नियत की गई है। कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन के निर्देश पर समर्थकों ने श्री कृष्ण के विग्रह जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबे होने का दावा किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा ट्रस्ट एवं अन्य बनाम इंतजामिया कमेटी शाही जामा मस्जिद एवं अन्य के मामले में श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज पांडे, सचिव पीयूष गर्ग, कोषाध्यक्ष कृष्ण शर्मा ने संयुक्त रूप से जामा मस्जिद की सीढ़ियों में केशव देव के विग्रह दबे होने का सिविल वाद प्रस्तुत किया था। ये जामा मस्जिद वाले प्रकरण में जो आज सुनवाई की डेट लगी थी, इस वजह से उसमें सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकिशन शर्मा का निधन हो गया। उनके निधन के कारण आज अधिवक्ता कार्य से विरत रहे और इसीलिए न्यायालय ने उस प्रकरण की सुनवाई नहीं हो सकी। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस प्रकरण को अतिशीघ्र सुनवाई के लिए आदेश पारित किए हैं और न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अतिशीघ्र इस केस की सुनवाई करेंगी और निश्चित रूप से 11/12/2023 को इस प्रकरण का निस्तारण होगा। ये मुकदमा माननीय लघुवाद न्यायाधीश जज खफीफा बोलते हैं, उनके यहाँ विचाराधीन है और लगातार उसमें 4-5 डेटें भी पड़ चुकी हैं सुनवाई के लिए। लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में लंबित मामले में श्री कृष्ण जन्म स्थान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आदि को प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले में प्रतिवादीगण की तरफ से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एतराज जताया गया था। इस अदालत को उक्त मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। उधर वादी पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला की तरफ से जामा मस्जिद के भौतिक निरीक्षण के लिए अमीन की नियुक्ति करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जो जामा मस्जिद की जो सीढ़ियां हैं, उनके नीचे जो केशव के विग्रह हैं, उनको दबा दिया गया है, यानी वो उसमें बंद कर दिए गए हैं। उनको सीढ़ियों के नीचे जो केशव के विग्रह बंद हैं, उनको निकालने के लिए ये दावा दाखिल किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शुक्ला का कहना है कि दोनों ही प्रार्थना पत्रों पर अब 11 दिसंबर को लघुवाद न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकिशन शर्मा के निधन के कारण वकीलों के कार्य से विरत रहने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।